हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारे लिए आयुष स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ और भी है जो आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते होंगे कि जितने भी मेडिकल्स कोर्सेज होते हैं, जैसे MBBS, BAMS, BHMS, इन सभी में कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक साल की इंटर्नशिप होती है, जिसमें कि एक इंटर्नशिप सैलरी मिलती है। तो जिसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, यानी कि MBBS को ज़्यादा मिलती है और BAMS, BHMS वालों को कम मिलती है, जिस पर काफ़ी दिनों से विरोध चल रहा था, तो वो भी पास हो चुका है, यानी कि इन सभी की इंटर्नशिप की सैलरी बढ़ चुकी है। तो आपको बता देते हैं पूरी न्यूज़। ये न्यूज़ भोपाल की है। आयुष इंटर्नीस हाउस फिजिशियन और PG जुड़ा का स्टाई पैड बढ़ाने का आदेश जारी। आयुष मंत्रालय मध्य प्रदेश ने आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी जूनियर डॉक्टरों के स्टाई पैड वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। अब आयुष स्नातक इंटर्नीस को 7,000 रुपये प्रति माह, आयुष फिजिशियन को 30,000 रुपये प्रति माह व आयुष PG जुड़ा को प्रथम वर्ष में 40,000 रुपये, द्वितीय वर्ष में 42,000 रुपये तथा तृतीय वर्ष में 44,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। प्रदेश के शासकीय आयुष कॉलेजों में 500 इंटर्नीस, 50,000 हाउस फिजिशियन व 184 PG जूनियर्स डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड, यही न्यूज़ है। आपको इसका हम ऑफिशियल नोटिस भी दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है ऑफिशियल नोटिस, आप देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है पहले पद, तो स्नातक पाठ्यक्रम इंटर्नशिप, यानी कि जो आप BAMS, BHMS या BOMS करेंगे, उसके बाद जो आपकी इंटर्नशिप होगी, उसमें पहले मिलते थे 6,000 रुपये, जो बढ़ाकर अब 7,000 रुपये कर दिए गए हैं। इसके बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, यानी कि MD में आपके पहले फर्स्ट ईयर में मिलते थे 21,000 रुपये, अब बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिए गए हैं। सेकेंड ईयर में मिलते थे 22,000, जो कि बढ़ाकर 42,000 कर दिए गए हैं। और लास्ट ईयर, यानी कि फाइनल ईयर में 23,000 मिलते थे, जिसमें कि बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिए गए हैं। और लास्ट में होता है एक होम चिकित्सक, जो कि गृह चिकित्सक, इसमें पहले मिलते थे 7,520 रुपये प्लस प्रचलित महंगाई भत्ता, जिसे बढ़ाकर अब 30,000 रुपये कर दिया गया है। तो फ्रेंड, यही थी इसमें न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको इस तरह की जानकारियाँ देते रहेंगे।